नमस्कार एसपीटी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ आभा और हम एक बार फिर हाजिर हैं लोकसभा चुनाव की खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा होने की तैयारी के चलते श्रीगंगानगर सीट पर कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता और अधिक सक्रिय हो गए हैं। टिकट के दावेदारों ने दिल्ली और जयपुर तक दौड़ भाग तेज कर दी है। नेता अपनी दावेदारी आलाकमान तक पहुंचाने के लिए उच्च संपर्कों का सहारा ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 25 पर काम कर रही है। इस मिशन के तहत कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस 20 फरवरी तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ दिनों के भीतर ही संभावित उम्मीदवारों के नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दिए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने इसकी पुष्टि की है कि राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और अगले महीने नामों की घोषणा की जा सकती है। अविनाश पांडे ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों पर 13 जनवरी को बैठकें हुई थी। इसकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। प्रदेश चुनाव समिति इसे देखेगी और उसके जो भी सुझाव होंगे वो हम जल्द से जल्द केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे। पूरी संभावना है कि 20 फरवरी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं श्रीगंगानगर में कौन है प्रबल दावेदार। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल, पूर्व सांसद शंकर पन्नू और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ललित मेहरा प्रबल दावेदारी जता रहे हैं। वैसे 13 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई बैठक में करीब 3 दर्जन लोगों ने टिकट के लिए आवेदन पेश किया था। अगर आप अपने आसपास की और भी नई ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो YouTube लिंक पर जाकर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आप किस तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।